वो बहुत ये है पेड़ पे। केला कौन से टाइम में लगाने वाले हैं यहाँ पर? मैं जून में, जून में लगाएंगे। तो अभी अप्रैल में आपने ये जो बड़ी बड़ी ढेरी है हाँ वो इसमें सूखा दिया। सूरण का प्लांटेशन कर दिया है। हाँ। ओके, थोड़ा आपने ये इस तरफ खसका करके रखा है, हाँ इसलिए केला का पेड़ इधर आएगा। सेंटर में आ जाएगा। हाँ ये साइड में, ये हाँ। साइड पे अच्छा, ये 6 फुट। पाली पाली की करवट में केला आएगा हाँ और इस इधर करवट इधर में इधर सूरण आ आएगा गया, सूरन। हाँ राइट है। अभी ये जो है दिखता है वो सूरन है। सूरन हाँ, है। ये कितना बीज लगा है आपका एकड़ पे सूरन का? सूरन का एक एकड़ में करीब करीब 1600-1700 जैसा है। नंग नंग नग, नंग। हाँ और नंग। केजी में जाए तो करीब एक एक नंग का करीब करीब 4-5 केजी आता है। ओ 5-6-7 भी जाता है। 15 × 60। हाँ 6 कुंटल अगर बारिश अच्छा हुआ तो 8-9 किलो तक अभी भी अगले जाएगा। साल ये भाई को था 7-7 किलो का रास आया रास था आया था 7 केजी वो प्लॉट के अंदर। हाँ उसमें वन पर नग 7 केजी पर रास नग आया था। 7 केजी हाँ सूरन 7 केजी रास आया मेरा एवरेज इसमें एवरेज। और इसमें एक का एक का। क्या रेट में बिक रहा है ये? अगर हम इसको पैसे में कैलकुलेट करें तो एकड़ ये पे भाई को इसकी गया था इनकम कितनी 14 रुपया आती केजी 15 रुपये केजी 12 रुपये। गया था। मेरा 4 महीने में 4.5-4.5 लाख अभी का वो हुआ। मैंने तिल तल कितनी डाल दिया जगह है लीला प्रवास के लिए। में? 7 बीघा। 7 बीघा 7 बीघा। 4 एकड़ में थोड़ा कम है। 4 एकड़ मतलब लाख रुपए एकड़ का सूरन का निकला और केला आपका बोनस। बोनस। वो मेरा प्रॉफिट जो देख रहा ना हाँ उसके भी कैसा रहा, 10 बीघा में 12 लाख का सूरन हुआ। अरे वाह तो ज्यादा हुआ आपको तो 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ का निकला है आपका। अभी आओ वो टल डाला है वाला जो मैं आपको दिखाता हूँ। लीला प्रवास के लीला लिए प्रवास के लिए टल डाला है। टल अभी ये बड़ा हो जाएगा सन, तो सन उसके ऊपर टल डाला है। टिल डाला है तो क्या सन ज्यादा गिरेगा नहीं उससे। अभी अभी आपको जो मैंने बताया उसमें अभी मेरे को क्या करने का है अभी जो प्लांटेशन करने का है भाई यही नाली पाली रहेगी आपको कीचड़ बना के पौधा लगाना है। हाँ वो तो लगाने का और जिगजैग मारना है। क्या लेने वाले ग्राफ यहाँ पर ये लाइन से लाइन कितनी है? अभी 6x6। 6x6 ही रखो फिर 6x6 और झिकझेक करो क्या ऐसा ही रहने दो। झिकझेक कर लो उसमें सराउंड बनेगा तो वो जो झुकने वाली शिकायत थी वो कम आएगी। झिकझेक करो झिकझेक करो लेकिन 6x6 ही रहने दो। लाइन तो अब फिक्स हो गई। हाँ पौधे से पौधा आगे पीछे कर लो। हाँ सही रखो। ओके अभी वो प्लॉट में सीएम भी था।